राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में 20 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू किया गया आंदोलन गति पकड़ने लगा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ हंगर स्ट्राइक पर बैठे छात्र रवि पांड्या, राघवेंद्र सिंह शेखावत, प्रद्युमन सिंह और दीपेंद्र मीणा के समर्थन में शुक्रवार को 60 छात्र छात्राएं अनशन पर बैठे रहे। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की हालत बिगड़ने लगी है। इनमें से एक छात्र को उसके परिजन दिल्ली ले गए हैं। गौरतलब है कि आंदोलनरत छात्र स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने के बाद भी विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के समाधान नहीं होने से खासे नाराज हैं। छात्रों की मांग है कि कैंपस में 24 घंटे सातों दिन पुस्तकालय, मेडिकल और कैंटीन की सुविधा उपलब्ध रहे। आत्महत्या के दोनों मामलों में पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। प्राध्यापकों की कमी दूर की जाए। 2013-14 बैच के विद्यार्थियों के लिए बीएड की व्यवस्था पुनः शुरू की जाए। प्रत्येक वर्ष छात्र संघ चुनाव करवाए जाए सहित 20 सूत्रीय मांगों के शीघ्र निराकरण तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। और आज फिर हमें दिन में दबाव बनाया गया और अभी आधे घंटे पहले हमें 15 दिन का रजिस्ट्रेशन दिया गया है। तो ये एक ना मीडिया को अंदर आने देना और इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को भंग करना, ये एक तानाशाह व्यक्ति की पहचान है। तो हम इस तानाशाही को नहीं सहेंगे और हमारी डिमांड लेके उठेंगे। बेसिक एमिनिटीज जो है वो हमें दी नहीं जा रही है। यहाँ पे नॉन कॉपरेशन हो रहा है पूरा, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, फिर भी ये लोग कुछ मानने को तैयार नहीं है। और आज जो रिसेंट अपडेट मिली है कि यहाँ से 8 लोगों को विदाउट एनी रीजन, कुछ ऐसे ही बेपरवाह रीजन से 15 डेज के लिए पूरा सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ पे। ये हम बताना चाहते हैं सबको आपके तो आपके थ्रू से कि हम जो यूनिवर्सिटी में हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। ये बाहर लोग बाहर में मीडिया को यहाँ पे अंदर भी नहीं आने दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमसे पूरा बाहर की दुनिया का मतलब कनेक्शन तोड़ने के ये लोग सब कोशिश कर चुके हैं। बट वी आर स्टैंडिंग हियर एंड वी विल स्टैंड टिल ऑर्डर।